नमस्कार, मैं सोनाली राज, आप देख रहे हैं जीएन भारत। जेजेएमपी के एक उग्रवादी मोहन परैया ने गुरुवार को लातेहार एसपी ऑफिस में आत्मसमर्पण किया। पहले वो भाकपा माओवादी फिर टीपीसी उग्रवादी संगठन में काम कर चुका है। मोहन परैया के आत्मसमर्पण करते वक्त डीआईजी राजकुमार लकड़ा, एसपी प्रशांत आनंद और एएसपी विपुल पांडे उपस्थित थे। मोहन परैया जो है आज हम लोगों के सामने लातेहार पुलिस प्रशासन के साथ समर्पण किया है। 20 श्रेणी का उग्रवादी था, इस पर कुल 5 कांड थे। छिपा दोहर कराने वाला है। पुलिस झारखंड सरकार की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति के तहत इसने लातेहार पुलिस के समक्ष आज आत्मसमर्पण किया है। किस रैंक का सर ये उग्रवादी का? सर 20 श्रेणी का है। हम लोग के यहाँ कैटेगराइजेशन होता है, तो 20 श्रेणी का। हमारा काम करने का तरीका है कि पहले हम लोग अपना आत्मसमर्पण, झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, उससे अट्रैक्ट होकर के उग्रवादी जो जिनको उग्रवादी विचारधारा से जिनका मोहभंग हो चुका है वो इस नीति के तहत आत्मसमर्पण कर रहे हैं। देखिए, एक चीज ये है कि सरकार की यह नीति, हम मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में आसपास की में ये सर्वश्रेष्ठ नीति है, और इसके तहत अपील रहेगा कि उग्रवादियों से या मुख्य धारा से भटके लोग ऐसे युवकों से कि मुख्य धारा पर आ जाए एवं यहाँ के विकास के लिए काम करें, अपना विकास, समाज का विकास करें। हथियार से कुछ उठाने से कुछ संभव नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें जीएन भारत पर। धन्यवाद।